वो मेरा पेंसिल बॉक्स टूट गया है। तो तुम नया पेंसिल बॉक्स खरीदना चाहते हो? हाँ, मॉम अब कितनी अच्छी इसमें है। क्या बड़ी बात है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हें अच्छे से समझती हूँ, ये लो। थैंक यू मॉम। और हाँ, एंट्रेंस अच्छे से साफ कर देना। कर दूंगा। जब भी उनसे कोई रिक्वेस्ट करने जाओ तो काम दे देती है, ये अच्छी बात नहीं है। नंबर वन, एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आओ। ठीक है, अभी आता हूँ। अरे सुनो, कोई काम तो नहीं करना है ना, मुझे बता कर जाओ। हाँ, ये हमेशा जल्दी में ही रहता है। ये क्या कह रही हो तुम, तुमने एक्सीडेंट का बहाना बनाया था? हाँ, अगर हम तुम्हें पहरेदारी के लिए बुलाते तो तुम कभी साथ नहीं चलते है ना, इसलिए हमने तुम्हें बुलाने का नया तरीका निकाला है। तुम लोग बहुत बुरे हो। तुम इतने दुखी क्यों हो नंबर वन? एक बात बताओ पाको, कभी कभी मेरी मॉम भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही करती है। मित्सुओ, तुम यहाँ हो? क्या हुआ मॉम? यहाँ बैठकर खेल रहे हो? अरे नहीं, मेरा कितना अच्छा स्कोर बन गया था। तुम सफाई कब करने वाले हो बताओ तो मुझे। क्या सफाई? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, अब जाकर अच्छे से सफाई करो। पर मैंने तो ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था मॉम। हाँ, क्या कहा? नहीं, वो मैं। उठो, जाओ जाओ, जाकर सफाई करो। मुझे हमेशा ऐसे ही काम करने पड़ते हैं, पर इस बार मैं ये काम मित्सुओ से ही करा कर रहूँगा, बाद में साफ कर दूंगा। बाद में ये बाद में कभी नहीं आता तुम्हारा, हर बार टालते हो। कहाँ ना बाद में साफ कर दूंगा। मैं आ गया। अरे बलवंत, अरे कैसी है आप? मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा मित्सुओ से मिलता हुआ जाऊं। बलवंत तुम कितने अच्छे हो। क्या सच कह रही है आप? मेरा मित्सुओ हर वक्त बहाने बनाता रहता है, पता है, बहुत ही आलसी हो गया है ये। अब याद आया, मैंने तो एंट्रेंस की सफाई का प्रॉमिस किया था। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ये तुमसे कुछ सीखे, बस इसे जब मुझसे कोई काम होता है तभी मुस्कुराता हुआ मेरे पास आता है और जो चाहिए वो ले जाता है। पर मैं, तुम तो इसके जैसे नहीं हो ना। जी वो देखो तो जरा, तुम कितने होनहार लग रहे हो और ये मुंह लटकाए खड़ा है यहाँ पर। अगर आपको परमैन इतना अच्छा लगता है तो इसे ही अपना बेटा बना लीजिए। देखो देखो रोबोट, मतलब मित्सुओ ऐसा नहीं बोलते हैं। तुम बीच में बोलना ही मत। काश परमैन मेरा बेटा होता, मैं हमेशा यही तो चाहती थी। क्या? सुनो खबाओ, क्या तुम्हें ओकायामा वाली हिटोमी ने कोई चिट्ठी भेजी? नहीं, मैं उसे भूल गया हूँ। क्यों, क्या हुआ? अब तुम्हें उसके साथ दोस्ती नहीं रखनी? मैं चिट्ठियाँ लिखता रहता हूँ पर जवाब नहीं आता। ये तो परमैन है। अरे कबाओ साबू, कैसे हो तुम दोनों? हेलो आंटी। तुम दोनों को एक जरूरी बात बतानी है। हाँ? आज से परमैन मेरा बेटा है और मैं इसकी माँ हूँ। हाँ? क्या सच में? हाँ बिल्कुल, आज से परमैन ही मेरा बेटा है। तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा, चले। हाँ चलते हैं। इसका मतलब आज से परमैन सुगा परमैन कहलाएगा। परमैन मित्सुओ का भाई। शॉपिंग करने के बाद सारा सामान मुझे उठाने को दे दिया। मदद करने के लिए थैंक्स परमैन, ये लो, ये रहा तुम्हारा इनाम। शुक्रिया। कुछ अच्छा खाना। और मेरे लिए मॉम? तुम्हें क्यों दूँ, अब परमैन ही मेरा बेटा है, इसलिए सिर्फ उसे ही दिया। पर मैं भी तो आपका बेटा हूँ ना मॉम। परमैन ये खाओ, मैं चाहती हूँ हमारे हीरो को अच्छा न्यूट्रिशन मिले। ये इतना सब कुछ सिर्फ मेरे लिए है। तुम बड़े हो रहे हो ना, तो ये जरूरी है। सुनो भैया। हाँ बोलो गंगो। क्या हुआ? अब जो परमैन हमारा बेटा है तो इसका मतलब वही गंगो का बड़ा भाई हुआ। क्या बात है, मैं बहुत खुश हूँ। गंगो तुम बहुत लकी हो। मित्सुओ, परमैन की कॉपी मत करो, तुम्हें सारी हरी सब्जियाँ खानी होंगी। पर वो भी तो नहीं खा रहा है ना। तुम्हें सब खत्म करना होगा वरना कल से तुम्हें खाना नहीं मिलने वाला। जी दरअसल हमें कुछ सब्जियाँ नहीं पसंद होती हैं। मैं तुमसे नहीं कह रही हूँ बेटा परमैन। देखो अब तो हद हो गई। ठीक है मानता हूँ, लेकिन देखा जाए तो इसमें तुम्हारी भी गलती है ना। तुम मुझे दोष दे रहे हो लेकिन सारी गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुमने एंट्रेंस की सफाई नहीं की थी, समझे? तुम भी बड़े जिद्दी हो रोबोट।
मैं तुम्हारा रोबोट हूँ ना, इसीलिए मुझे इतने सारे दुख सहने पड़ते हैं। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत खराब है। अरे बस करो, ये रोना धोना बंद करो, रुक जाओ। क्या मित्सुओ अब परमान फैमिली का मेंबर बन जाएगा? मेरी मॉम मित्सुओ को अपना बेटा बनाना चाहती है। क्या सच में? पर तुम्हारा घर कहाँ है? कहीं आसमान में या समुद्र में? मुझे तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी मॉम से मिलना होगा। जी वो मैं आपको मेरे घर के बारे में नहीं बता सकता, ये बात सीक्रेट है। अच्छा ऐसी बात है, पर आप इसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। नहीं तो मैं फिक्र कहाँ कर रही हूँ। पर मैं चाहती हूँ तुम ये स्वेटर पहन कर देखो, ये तुम पर कितनी अच्छी लग रही है। पर आप तो ये मित्सुओ के लिए बना रही थी ना। मुझे मित्सुओ को कुछ नहीं देना। अच्छा वहाँ अपना ध्यान रखना। हाँ चलिए मैं चलता हूँ। सुनो रुको जरा। परमान के घर में तुम लोग किस तरह का खाना खाते हो? तुम्हारा खाना हमारे जैसा होता है, कुछ अलग होता होगा ना? क्या तुम कोई स्पेशल खाना खाते हो? जी वो मैं। तुम्हारी मॉम का नेचर कैसा है? वो अच्छी तो है ना? आपको शायद मित्सुओ की बहुत फिक्र हो रही है ना? अरे नहीं नहीं, मुझे उसकी फिक्र नहीं हो रही। शायद आपको उसे माफ कर देना चाहिए था, वो आपका बेटा है। मैं नहीं करने वाली, उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये तो बड़ी जिद्दी है। जल्दी जल्दी जाना होगा, इतना टाइम वेस्ट हो गया। सुनो मित्सुओ, सुना है कि तुम परमान के घर पर रहते हो। ये बात तुम्हें किसने बताई? कांको हमें बता रही थी। कांको की बच्ची भी ना। अच्छा ये बताओ परमान का घर कैसा है? मैं तो इमेजिन कर रहा था वो रिकी हाउस जैसा होगा ना। नहीं वो जरूर एक स्पेसशिप होगा। देखो मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं परमान को धोखा नहीं दे सकता दोस्तों। कैसा धोखा? ए मित्सुओ रुको, तुम तो लेटर्स नहीं भेजने वाली थी, अब भेज रहे हो। क्या आप परमान नंबर वन के घर जाना चाहती है? क्या तुम जानती हो वो कहाँ रहता है? प्लीज बता दो ना। क्या मेरी मॉम? वो बहुत सीरियस थी नंबर वन, तुम्हें सबसे पहले जाकर उनसे माफी मांग लेनी चाहिए थी। पर पाको इतनी जिद अच्छी बात नहीं है नंबर वन। अच्छा समझ गया। देखिए तो कौन है। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया, अब तुम्हें क्या चाहिए? लाइए मैं पानी डाल देता हूँ। मेरा प्यारा बेटा मित्सुओ बेटा, ज्यादा पानी मत डालना वरना हर जगह पानी भर जाएगा। जी मैं आपकी बात समझ गया मॉम। आप इस स्वेटर में बहुत अच्छे लग रहे हो। मेरा मित्सुओ परमान से भी बहुत अच्छा दिख रहा है ना? कभी कभी इनकी बातें समझ में ही नहीं आती। अब तो उन्हें जैसे परमैन की कोई फिक्र ही नहीं है। अच्छा पाको हंस क्यों रही हो? नंबर वन को मित्सुओ से जलन हो रही है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है पाको। ठीक है बाद में मिलते हैं। पाको रुको मेरी बात तो सुनो। ओ मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। परमैन जी कहिए। लो ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? ये तो स्वेटर है ना। हाँ परमैन मैं तुम्हारे लिए भी बना रही थी, चलो जल्दी से अब इसे पहन कर दिखाओ। आप कितनी अच्छी है मॉम, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मत कहो बेटा, ये